अगर माता रानी तो कई कई भक्तजन ऐसा पूछते हैं, बोलते हैं कि आप हम इतने घंटे तक बैठकर माता रानी की सेवा पूजा अर्चन करते हैं, इतना दान दक्षिणा देते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों, ऐसा प्रश्नार्थ है, ऐसा क्वेश्चन है। तो उसका रीजन केवल ही केवल वो ही है, पितरों के प्रति आप जो तर्पण नहीं करते, पितरों के प्रति आप पिंडदान नहीं करते। साल में एक बार पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण करना ही चाहिए, ऐसा विधान शिवपुराण में भी बताया है और ऐसा विधान देवी पुराण में भी बताया है, और वो बात सब विद्वान ने भी बताई है, और महाभारत में स्वयं विदुर जी ने ये बात बताई। साल में एक बार जब भाद्रपद आता है ना, तो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष जो आती है ना, वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जब आती है ना, पूर्णिमा समाप्त हुए उसी से पहले आपके पितरों का पिंडदान करवा लेना चाहिए, तर्पण विधि करवा लेनी चाहिए।